राजस्थान में कांग्रेस के वर्तमान और पूर्व सांसद विधानसभा टिकट की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट इसके खिलाफ हैं। राजस्थान कांग्रेस की इस रस्साकशी के बारे में और जानकारी दे रहे हैं गोन्यू संवाददाता आदेश रावल। राजस्थान में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सिटिंग सांसद रघु शर्मा और करण सिंह यादव भी विधानसभा का टिकट मांग रहे हैं। इसके अलावा जो पूर्व सांसद रहे हैं उसमें हरीश चौधरी, जितेंद्र सिंह, गिरिजा व्यास, लालचंद कटारिया, ये सब लोग भी विधानसभा का टिकट मांग रहे हैं। दरअसल कांग्रेस को ये लगता है इन लोगों की 2019 में अगर कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, यानी सरकार बनाने की स्थिति नहीं रही, तो उनके हाथ से राजस्थान में मंत्री बनने का जो मौका है वो हाथ से निकल जाएगा। इसके अलावा सचिन पायलट ने ये लिखित में राहुल गांधी को दे दिया है कि किसी भी पूर्व सांसद या सिटिंग सांसद को विधानसभा का टिकट ना दिया जाए, क्योंकि सचिन पायलट ये मानते हैं कि अगर सभी बड़े नेता, जो वरिष्ठ नेता है राजस्थान के, अगर वो लोग टिकट लेंगे और एमएलए बन जाते हैं तो ऐसे में ये एक तरफ से अशोक गहलोत की कैबिनेट होगी। मुख्यमंत्री बनने का झगड़ा तो है ही, लेकिन इसके अलावा 2019 का लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की परफॉर्मेंस कैसे रहेगी वो भी एक बड़ा कारण बताया जा रहा है। अब ये इसका फैसला राहुल गांधी करेंगे कि क्या राजस्थान में सिटिंग एमपीज और जो पूर्व एमपीज हैं उनको विधानसभा टिकट दी जाए या ना दी जाए। दिल्ली से आदेश रावल, गो न्यूज़।